वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे फेस वॉश जो कि होने वाले हैं ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन के लिए परफेक्ट। और इस लिस्ट में मैंने वही फेस वॉश इंक्लूड किए हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, जिनका वर्क मेरे लिए अच्छा रहा है और जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला है। तो अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट फेस वॉश सर्च कर रही हैं तो इस लिस्ट में से आपको अपने लिए एक अच्छा फेस वॉश जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते है कि कौन कौन से हैं ये फेस वॉश जिन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, मैंने इन सभी फेस वॉश को ट्राई आउट किया है तो मुझे पता है कि हाँ कौन सा फेस वॉश कैसा वर्क करता है या मेरे लिए कौन सा फेस वॉश परफेक्ट है। तो अगर आप इन फेस वॉश को पहली बार यूज करने जा रही हैं या किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को पहली बार यूज करने जा रही हैं तो बेस्ट टेस्ट जरूर कर लें जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। ये आपकी स्किन की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू, इनमें से बहुत सारे फेस वॉश के मैंने ऑलरेडी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं तो अगर आपने उनके रिव्यू वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इनके डिटेल रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप इनमें से कोई सा भी फेस वॉश बाय करना चाहते हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बाय द वे, आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। जहां से आपको सही लगे आप वहां से बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आई थिंक वीडियो का इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहला फेस वॉश है वो है द फेस शॉप से और ये है इनका राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लींजर जो भी है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसका जो प्राइस है वो है 650 जिसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं स्किन टाइप की। वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है बट फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करें क्योंकि इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी इनफ होती है। क्योंकि ये फोमिंग क्लींजर है इसमें फोम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा अमाउंट आपके लिए परफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर टू, मैंने इस फेस वॉश को कभी भी डे टाइम में यूज नहीं किया है, जैसे मॉर्निंग टाइम में यूज नहीं किया है क्योंकि ये फोमिंग क्लींजर है और मॉर्निंग टाइम में हमारे फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है या हमने कुछ अप्लाई नहीं किया होता है जिससे कि डीप क्लीन करने की जरूरत पड़े। इसलिए मैं इस फेस वॉश को हमेशा नाइट में ही यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन जो है वो डीप क्लीन हो जाए। और अगर मेरे फेस पे कुछ मेकअप रह गया हो, कोई डर्ट पोल्यूशन है या कोई सनस्क्रीन है तो वो डीप क्लीन हो जाए। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि ये फेस वॉश आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो या आप इसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सके तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे नाइट टाइम में यूज़ करिए। नाइट टाइम परफेक्ट है इस फेस वॉश को यूज़ करने के लिए। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, वैसे तो ये हर फेस वॉश के साथ होता है बट मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप इस फेस वॉश को यूज़ करती हैं तो प्लीज़ अपनी आईज़ ओपन मत करें। अगर आप अपनी आंखें ओपन करते हैं और फेस वॉश जो है वो आपकी आंखों के अंदर चला जाता है तो यकीन मानिए कि कम से कम आधे से एक घंटे तक आप परेशान रहेंगी, आपकी आईज एकदम रेड रहेंगी, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं इस यही रीज़न है कि मैं इसे अपने वीडियोस के लिए बहुत कम यूज़ करती हूँ। मतलब अगर मैं सच कहूँ तो मैंने हार्डली इसे 10 से 12 वीडियोस में शो किया होगा या यूज़ किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। जबकि मैं इसे ऑफ कैमरा यूज़ करना पसंद करती हूँ बट ऑन कैमरा यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ ऑन कैमरा ये मेरी आंखों में चला जाता है और उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ इस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी रही बात फेस वॉश की, बहुत अच्छा फेस वॉश है, मतलब स्किन को एकदम ऐसे डीप क्लीन कर देता है और डर्ट पोल्यूशन, स्वेटिंग, एक्स्ट्रा ऑयल
सब कुछ आपकी स्किन से रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छा फोमिंग फेस वॉश है, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो डेफिनेटली ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली ऑयली स्किन और समर टाइम में। अब बारी आती है हमारे सेकेंड फेस वॉश की, तो हमारा सेकेंड फेस वॉश है प्लम से, और ये है इनका ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। और इसका जो प्राइस है वो इसकी आउटर पैकेजिंग पे मेंशन है, बट आई गेस इसका प्राइस 375 रुपीज या ऐसे समथिंग कुछ है, जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या स्क्रीन पे मैं कहीं पे मेंशन कर दूंगी। और इसमें आपको 75 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूं तो इसमें माइक्रो बीड्स आते हैं, मतलब कि आप ये कह सकती हैं कि इसमें स्क्रबिंग के भी थोड़े से पार्टिकल्स हैं, बट वो पूरी तरह से स्क्रब नहीं है, वो हल्का सा आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत फाइन माइल्ड है, तो आपको उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं, बट एक या दो बार आपको ये फेस वॉश नहीं पसंद आएगा। वैसे मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत सेंसिटिव है, तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मुझे ये फेस वॉश उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। रीज़न सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है, या मैं ये कहूँ कि थोड़े से टिंगल्स होते हैं स्पेशली नोज़ के अराउंड, तो ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया था। बट टाइम के साथ जब आप इसे रेगुलर यूज़ करने लगते हैं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि प्लम का आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस जिन प्रोडक्ट में ऐड होते हैं वो यूज़ करना पसंद नहीं है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि इस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस ऐड की गई है। अब बारी आती है इस फेस वॉश को या ना बोलने की, तो डेफिनेटली या है, क्योंकि मुझे ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। स्पेशली इसका सिर्फ एक रीज़न है पसंद करने का, कि ये नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करने का काम करता है। अगर हम स्क्रब के पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रख दें तो फेस वॉश बहुत अच्छा है, आप इजीली यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सेम इसके साथ भी आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी आँखों को थोड़ा सा आपको बचा के ही रखना है। बाकी फेस वॉश बहुत अच्छा है, अगर आप ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर एक्ने प्रोन स्किन में आती हैं तो आप इस फेस वॉश को एक ट्राई दे सकती हैं। अब बारी आती है हमारे थर्ड फेस वॉश की, जो कि है न्यूड ब्रांड से, और ये है इनका कैरेट सीड फेस वॉश, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसका प्राइस है 600 रुपीज, जिसमें आपको 300 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूं तो आप इसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं और नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि फेस वॉश जो है वो बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा। इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट या इची नहीं बनाता है, बट साथ ही साथ आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी कर देता है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव सी स्मेल है, मतलब विटामिन सी वाली जो नींबू में जैसे स्मेल आती है एग्जैक्ट वैसी ही है, तो फिलहाल मुझे वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी वैसी स्मेल पसंद है तो इस फेस वॉश को आप ट्राई कर सकती हैं, आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा। फिलहाल मुझे ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वैसे तो मैं इस वीडियो में जितने भी फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये फेस वॉश टीनएजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि प्लीज़ क्वांटिटी को बहुत कम यूज़ करें। देखिए फेस वॉश का काम होता है कि वो आपकी स्किन को क्लीन कर दे, ना कि आप उसे शैम्पू की तरह अपने फेस पे यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्वांटिटी हमेशा बहुत थोड़ी यूज़ करें, चाहे आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी फेस वॉश यूज़ करें। तो फिलहाल रही बात इस फेस वॉश की, तो इसकी फिलहाल तो पैकेजिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है प्रोडक्ट के साथ साथ, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, आपको ये फेस वॉश पसंद आएगा।
अब नेक्स्ट फेस वॉश है सिर्फ और सिर्फ ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जो कि है पेरेने कॉस्मेटिक से, और ये है इनका ऑयल कंट्रोल क्लेरिफाइंग फेस वॉश, जो कि है सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री। वैसे तो इनमें से सारे ही प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट पैराबेन फ्री हैं, तो आप इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस है 700 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। और अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ, जब भी आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल और बहुत ज़्यादा एक्ने हो, जैसे एक्टिव पिंपल, एक्टिव एक्ने, तब आप इस फेस वॉश को ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मतलब एक कुछ ऐसे फेस वॉश होते हैं ना, जैसे आपकी स्किन को क्लीन तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं चलता है कि आपने अपने फेस पे फेस वॉश यूज किया है। तो ये फेस वॉश कुछ वैसा ही है, मतलब फेस वॉश तो है बट फेस वॉश नहीं है। मतलब सल्फेट फ्री है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो फोम है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है और आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, बट ऐसा नहीं है कि वो ड्राई आउट बना दे या इच्ची या थोड़ा सा कुछ ऐसे रफ जैसा फील हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे काफ़ी टाइम से, मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट काफ़ी टाइम से मुझे कोई भी पिंपल्स नहीं आए हैं मेरे फेस पे। आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे फेस पे कोई भी पिंपल्स नहीं आए, तो मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा शॉक भी हूँ कि क्या बात है कि इस बार मेरे फेस पे कोई भी पिंपल नहीं आ रहे हैं, जबकि गर्मी तो अपने मतलब खुमार पे है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट फिर भी मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं निकल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बट मैंने इस फेस वॉश को रखा हुआ है कि इन केस जब बाय चांस पिंपल्स निकल आए तब मैं इसे यूज कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अगर स्किन क्लीन है तो भाई किसको क्लीन स्किन नहीं पसंद है, फिलहाल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्लीन स्किन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको मेकअप नहीं करना होता है, बट हल्का सा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा टचअप करो और बस वीडियो बनाने बैठ जाओ, आपका काम हो जाता है। तो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्लीन स्किन, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, मतलब कहने से ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा। अगर आप एक माइल्ड फेस वॉश सर्च कर रही हैं जो कि क्लीन तो करे बट उसका कोई भी बैड इम्पैक्ट आपकी स्किन पर ना पड़े, तो आप इस फेस वॉश को ट्राई ज़रूर करिएगा। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट फेस वॉश की, तो नेक्स्ट फेस वॉश में फेस वॉश भी है और स्क्रब के बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं, हालांकि वो है फेस वॉश लेकिन काम दोनों का कर देता है। तो ये है वॉय स्किन साइंस का ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश, जो कि आता है एक सिलिकॉन ब्रश के साथ। यही रीजन है कि ये फेस वॉश के साथ साथ स्क्रब का भी काम कर देता है, मतलब ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी कर देता है। तो एक ही बार में आपका दो का काम हो जाएगा कि आपके फेस पे फेस वॉश भी यूज हो गया और स्क्रब भी यूज हो गया। इसका जो प्राइस है वो है 449 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके फेस पे पिंपल बहुत ज़्यादा हो या एक्टिव पिंपल हो, एक्टिव एक्ने हो, तो या तो इस फेस वॉश को अवॉइड करिएगा या फिर उस एरिया को अवॉइड करिएगा जहाँ पे आपको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है, क्योंकि भले ये ब्रश सिलिकॉन का है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बट थोड़ा बहुत तो ये आपकी स्किन को, आपके पिंपल या आपके एक्ने को हर्ट कर सकता है। और एक्ने के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें टच करते हैं, उन्हें पोक करते हैं, वो फैलने लगते हैं। तो आप चाहें तो उस टाइम के लिए आप इसे अवॉइड कर सकती हैं, क्योंकि ये सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है, या फिर उस एरिया को अवॉइड कर सकती हैं, या फिर आप सिर्फ अपने हाथ पे इसे लेके और अपने हाथ से यूज कर सकती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे किसी भी टाइम यूज कर सकती हैं। और जहां तक रही बात फेस वॉश की, फेस वॉश फिलहाल बहुत अच्छा है, स्किन को काफी अच्छे से क्लीन कर देता है, और मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा डे और नाइट का जो फेस वॉश होता है वो हमेशा 99% अलग ही होता है, क्योंकि मैं डे टाइम में कोई माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना पसंद करती हूँ, नाइट टाइम में मैं कोई अच्छा सा फेस वॉश, स्पेशली फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना पसंद करती हूँ, जिससे कि स्किन जो है वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाए और डबल क्लींजिंग अच्छे से हो जाए। तो बहुत अच्छा फेस वॉश है, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा।
अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट फेस वॉश की। तो नेक्स्ट फेस वॉश है मदर स्पर्श से और यह है इनका टर्मरिक हीलिंग फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट है या आपको एजिंग के साइन से बचना है या आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो उसके लिए फेस वॉश बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका प्राइस है 375 रुपीज, जिसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है और ये फेस वॉश भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजिली यूज कर सकती हैं। इस फेस वॉश में फिलहाल सब कुछ प्लस है, कुछ भी माइनस नहीं है और ये फेस वॉश बहुत ही ज्यादा जेंटल है, तो आप इसे डे टाइम में भी यूज कर सकती हैं, नाइट टाइम में भी यूज कर सकती हैं। तो फिलहाल बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और मैं इसे रेगुलर यूज भी कर रही हूँ, तो ये मेरा फेस वॉश जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इस फेस वॉश को एक ट्राई दे सकती हैं। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। वैसे इसकी एक बात मुझे और भी बहुत अच्छी लगी कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी क्लीन नीट है। वैसे तो सभी फेस वॉश की इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो काफ़ी क्लीन और नीट है, सिर्फ द फेस शॉप को छोड़ के, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। रही बात इस फेस वॉश की, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो ट्राई कर सकती हैं। वैसे मदर स्पर्श का, जब इससे पहले मैंने एक फेस वॉश ट्राई किया था प्लांट पावर्ड वाला, तो उसे भी मैंने बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया था। और अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ तो ये भी मैंने बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता है, फिलहाल मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी मुझे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट या हेयर केयर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसका वर्क मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो, मेरी स्किन काफ़ी रिलैक्स फील करती हो, काफ़ी फ्रेश फील करती हो, तो मैं उस स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करती हूँ। मतलब मैं उसे स्टोर करके ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं बस यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर जब तक वो फिनिश नहीं होता है मैं उसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। और मैंने बहुत बार ये बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो फिलहाल ऐसा ही है मेरे साथ कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे यूज़ करिए, यूटिलाइज कर लीजिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को ऐसे रख देती हूँ कि ठीक है मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो वो पक्का एक्सपायर हो जाता है और मैं उसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इससे पहले कि प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए आप उसे यूटिलाइज कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। अब बारी आती है हमारे लास्ट फेस वॉश की, जो कि है सिरोना ब्रांड से और ये है इनका एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, जो कि नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। और इसका जो प्राइस है वो है 375 रुपीज़, जिसमें आपको 125 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजिली यूज़ कर सकती हैं। अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ तो फिलहाल मैं बैक साइड आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चले कि मैं इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं इसे दिन में 2 बार नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसे दिन में सिर्फ 1 बार यूज़ करती हूँ, मोस्टली नाइट टाइम में, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है तो मैं यही चाहती हूँ मेरी स्किन नाइट में डीप क्लीन रहे, उस पर मेकअप, स्किन केयर या फिर सनस्क्रीन या डर्ट पोल्यूशन ऐसा कुछ भी ना रहे। और साथ ही साथ इसमें एक कूलिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि मिंथॉल है तो एक्ने और पिंपल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी स्किन को एक्ने और पिंपल से प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर एक्टिव एक्ने या पिंपल है तो उन्हें क्योर भी करता है। और इसके साथ भी सेम है, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना होगा, स्पेशली अपनी आइज़ के लिए, कि आइज़ बंद करके इसे यूज़ करें, ओपन ना करें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपकी आंखों में जा सकते हैं। बट अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। सिर्फ इसके साथ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे डेली दिन में 2 बार नहीं यूज़ करना है, दिन में 1 बार इनफ है। और इसे ज़्यादा देर के लिए बहुत टाइट या बहुत हैवी हाथों से रब मत करिएगा, बहुत लाइट हैंड से यूज़ करिए, तभी आपको इसके सही रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक की थी, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे रेडनेस हो गई थी, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, जैसे
जल जाती है स्किन, एग्जैक्ट वैसे ही हो गई थी, बट थैंकफुली उसका कोई मार्क नहीं पड़ा है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। फिर मैंने इसे सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि फेस वॉश को हल्के हाथों से, स्पेशली अपनी फिंगर टिप से मसाज करिए, अप्लाई करिए और 30 सेकेंड से 1 मिनट में वॉश कर दीजिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तभी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे बहुत अच्छा फेस वॉश है स्पेशली समर टाइम के लिए, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहती हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कुछ ऐसे फेस वॉश जो कि ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, नॉर्मल, हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप अपने स्किन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई सा भी फेस वॉश सेलेक्ट कर सकती हैं और उसे यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने सिर्फ बेस्ट फेस वॉश को ही इंक्लूड किया था जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।